250 साल पहले मराठा शैली में बनी एक छतरी और इसके तहखाने में छिपा है बेसुमार खजाना, लेकिन इसकी रक्षा करता है एक मायावी सांप। यह जगह प्राचीन समय में नागौरगढ़ के नाम से जानी जाती थी, जहां कभी सोना निकला करता था और आज भी पहाड़ियों पर खदानों के अवशेष मिलते हैं। यह जगह है चावा का पास, जो प्रतापगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित एक गाँव है, जहाँ हमें यह छतरी मिली। आइए जानते हैं इसके रहस्य को, जो अब तक छिपा हुआ था और अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। इस छतरी के अंदर छिपे खजाने का सच और उसके पहरेदार सांप का राज, जिसे जानने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ अलवर जिला राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ में, जहाँ से ये गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ हमें ये छतरी मिली। और हमारे साथ थे इसी गांव के अमर सिंह भाई, जिन्होंने हमें इस छतरी के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जैसे इन्होंने बताना शुरू किया, मानो उस रास्ते पर हम जाने से थोड़ा डर गए। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई कि इसको सिंधिया की छतरी बोला जाता है, यानी महादजी सिंधिया जो ग्वालियर के शासक थे, उनकी बेगम गन्ना के नाम पर ये छतरी बनाई गई थी। और आज से 250 साल पहले, जब राजा प्रताप सिंह का शासन था, तब मराठा शैली में इसको बनाया गया। और ये था वो कुआं जिसमें मायावी सांप रहता है। ये मायावी सांप यहाँ पर करता है तहखाने में छुपे सोने की रक्षा, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर बहुत सोना निकला था। ये भैया बता रहे थे कि इन्होंने, इनके परिवार ने और यहाँ पर गांव के लोगों ने कई बार उस मायावी सांप को देखा है, जो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाता है जो यहाँ पर गलत दृष्टि से आता है, यानी कि सोने के लालच में आता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इन खेतों के बीच में से होते हुए पहुँचे उस गन्ना बेगम की छतरी पर, जो मराठा शैली में बनी हुई थी इस पूरे राजस्थान के रजवाड़े, जो कि अपने आप में विचित्र थी। इसका बनने का कारण सिर्फ एक यही था कि शायद राजा प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में दोस्ती रही हो, जब उनकी गन्ना प्रेमिका जो थी उनका निधन हो गया, तब इसे बनवाया गया हो उनके सम्मान में। ये डिज़ाइन दर्शा रहे हैं उस समय मराठा शैली को, यहाँ पे जानवर जो वहाँ पे पिकॉक है, मोर का यूज़ किया गया, रंगोली का यूज़ किया गया है, पेड़ों की पत्तियों का यूज़ किया गया, एक गमले में दिखाया गया है कि कैसे फूल उगे हुए हैं, चेस का डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उस चीज़ को दर्शा रही हैं। यहाँ पे इसके अंदर भी चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। जब हम इसके अंदर गए तो हमें इसके अंदर तूड़ा भरा हुआ दिखाई दिया, जो कि गांव वाले इसको अपने काम में यूज ले रहे थे, और बीच में बने थे 4 डिवाइडेशन। यहां पर कुछ समय पहले गवर्नमेंट स्कूल चला करता था, जैसा भैया ने बताया, उसकी वजह से डिवाइडेशन बने। और बीच में आप देखेंगे इस छतरी को, तो वही मेहराबे बनाई गई थी, 8, हर कोने में एक मेहराबे, बीच में एक मेहराबे, और उस शैली को दर्शाया गया था जो अक्सर मराठा यूज किया करते थे छतरी बनवाने में। आज इसके चारों तरफ चलते हैं, हालांकि अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन रहस्यों का भरमार राज यहाँ पर लिए हुए है। और यहाँ पर मायावी सांप उन्हीं को दिखता है जो अपनी दृष्टि लेके आते हैं इस चीज़ को खोदने के इरादे से, यहाँ से सोना निकालने के इरादे से। अब यहाँ पे देखो, ये जो चित्रकारी था आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो मिट चुकी है, ये चित्रकारी तो दर्शा रही है, ऊपर देखो आले कैसे बनाए गए हैं उस तरीके से, ऐसे डिज़ाइन जो दिखाई दी है, ये राजपूताना शैली है। और राजपूताना शैली को यहाँ पे उकेरा गया, उस समय ये शायद ग्रीन कलर होगा जो समय के साथ ढलने के साथ काला पड़ गया, सम्मान में बनाई जाती थी लोगों के। और हम पीछे की तरफ आ गए, और यहाँ पे देखो अभी भी आपको पिंक कलर, जो गुलाबी कलर है फूलों का, वो दिख जाएगा, और वहाँ पर स्टिल वही जो चीज़ें हैं बनी हुई है। लेकिन इसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, तो हम ऊपर ज़रूर जाना चाहेंगे एक बार देखने के लिए। तो वही कला हमें यहाँ भी दिखाई देती है सेम, और हम निकल पड़े उन सीढ़ियों की तरफ जो इस छतरी पर एकमात्र रास्ता था जाने का। और ये सीढ़ियों की जो ऊँचाई थी वो लगभग 2 फीट थी, यानी कि जगह कम होने के कारण इनको इतना ऊँचा बनाया जाता था। जब मैं इस पर चढ़ रहा था तो साइड में जो प्लास्टर था बहुत ही स्लीपी फील हो रहा था, तो इससे पता चल रहा है कि 250 साल पहले बनी चीज आज भी वैसी है, यानी उस समय वो सीपी कोड़ी का जो मिश्रण था उससे ये चीजें ऐसी बन जाती थी। ऊपर जाकर हमें नजर आई वो महारानी के सम्मान में बनाई गई छतरी, जो कि अष्टकोर खंभों पर बनी थी और एकदम गोल थी, और हर दिशा में 4 छतरियां बनाई गई थी 4 खंभों पर। सारी की सारी छतरियाँ का डिज़ाइन कला जो है मराठा शैली ही थी। ये छतरियाँ दर्शाती थी कि चारों दिशाओं में इनका सम्मान है, इनका अधिकार है,
और बीच में दिखाई देता था वो प्रतापगढ़ का किला, जहाँ से ये छतरी दिखाई देती थी। और इसी छतरी के पीछे थी वो खदानें उस पहाड़ पर, उस अरावली पर्वतमाला पर। लगभग 200 साल पहले यहाँ पर खुदाई का काम चलता था, बहुत मात्रा में सोना भी निकलता था, जिसके अवशेष आज भी बचे हुए हैं गाँव वालों के अनुसार। लेकिन पेड़ ज्यादा होने के कारण, हरे भरा होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो ये अपने आप में एक विचित्र गाथा है कि कोई पुराना समय में एक बहुत महान शहर था जो जिसके अवशेष कुछ ही बचे हैं, जिनसे पता चलता है कि हाँ भाई, ये राजा महाराजाओं का सबसे आलीशान गढ़ रहा है। अब आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर अवश्य अपने कमेंट जो है शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। माया, अच्छा शुक्रवार के आप आज भी? हाँ, सांप है ना, जैसे कोई छेड़ता है ना, जैसे कोई खोदने के पर्पज से आता है तो उनको बस वहीं तांत्रिक विद्या से बचाव है।